क्या बच्चों? अपने मोजे सुखाने के लिए लटकाए क्या? अरे नहीं पापा, सेंटा के लिए। सेंटा अपने मोजे हमारे घर पे क्यों सुखा रहा है? अरे सेंटा के मोजे दिए, ये हमारे मोजे जो हमने सेंटा के लिए लटकाए। लेकिन क्या सेंटा को तुम्हारे मोजे आएंगे क्या? उसके पैर तो बड़े बड़े होते हैं ना। अरे नंदू, क्रिसमस की रात पर मोजे लटकाना ट्रेडिशन होता है। हमें जो भी चाहिए होता है ना, सेंटा इन मोजों में डालकर जाते हैं। क्या सच? एक सेकेंड। लगा दिया। पर चंदू एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मुझे तो एक लंबी गाड़ी चाहिए और मेरे मोजे तो इतने छोटे, तो उसमें आएगी कैसे? अरे मम्मा, पर सेंटा आएंगे कैसे? हमारे घर में तो चिमनी भी नहीं है और वो चिमनी से आते हैं। अरे तुम लोग टेंशन मत लो बच्चों, एक काम करेंगे ना, रात को सारी खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं से तो सेंटा आ ही जाएगा। ओके पापा, बड़ा मजा आएगा। मतलब इसने रात भर जागने का बंदोबस्त कर लिया है। बेटा सुबह ना मुझे ढेर सारा काम है, तो मैं अभी सोने जा रही हूँ। जब सेंटा आए ना तो उन्हें मेरा नमस्ते बोलना। हाँ मम्मा को ना कुछ मालूम ही नहीं है, सेंटा तो नॉर्थ पोल से आएगा, उसे हिंदी थोड़ी ना आती है। तो हाय बोल देना, ठीक है? अब तो खुश। हाँ। तुम सारे दरवाजे खिड़की खोल कर सोने वाले हो, कहीं सेंटा की बजाय चोर ना आ जाए और कुछ देने की बजाय लेकर ना चले जाए। अरे टेंशन मत लो चंदू, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। उसी का तो डर है। खामोशियां बेचैनियां ना दानियां। अरे चंदू सुनो ना। तुम पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना सेंटा नहीं होते। अरे ऐसे कैसे नहीं होते, फिर क्रिसमस पर गिफ्ट कौन देता है? अरे माँ बाप देते हैं। सेंटा से लेकर? ओफ, ओह, सेंटा हकीकत में नहीं होते, सिर्फ फेरी टेल्स में होते। क्या? नहीं। चुप करो, बच्चों ने सुन लिया तो उनका सारा भरोसा और उम्मीद टूट जाएगी। और मेरी उम्मीद टूट गई उसका क्या? वही मैं सोचूं कि मेरे मोजे के अंदर सेंटा इतनी बड़ी गाड़ी कैसे डालेगा। बाबा जी आपको यही मिला था? नंदू देखो, हम सुबह बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें सेंटा ने दिया है, ठीक है? लेकिन पहले तुम उन्हें जाकर सुलाओ और सारे दरवाजे खिड़की बंद करके आओ, समझे? क्या चंदू, इसका मतलब हम सारे खिड़की दरवाजे बंद करके प्यार के गीत गाएंगे? छिछोरे आदमी, मैं दरवाजे खिड़की बंद करने को इसलिए कह रही हूँ ताकि चोर ना घुसे। अरे यार चिंटू, तू दरवाजे पे देख, मैं खिड़की पे देखता हूँ, सेंटा कहीं से भी आ सकते हैं। यार ये लोग तो अब तक सेंटा का वेट कर रहे हैं, इन्हें सुलाऊं कैसे? आ गया मैं बच्चों, तुम लोग अभी तक सोए नहीं, अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं बच्चों, सेंटा 12 बजे के पहले नहीं आएगा। कोई बात नहीं पापा, हम वेट कर लेंगे। सोने का नहीं, सेंटा का। बच्चों सेंटा नॉर्थ पोल से आता होगा ना, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, आते आते देर हो सकती है। कोई बात नहीं, फिर भी पापा हम वेट कर लेंगे, हमें सेंटा के बिना नींद नहीं है। अरे कैसे नहीं आएगी नींद, नींद को आना पड़ेगा वरना चंदू मेरी नींद उड़ा देगी। चलो चलो सो जाओ, चलो चलो। बच्चों अब पापा तुम्हें लोरी सुनाएंगे जो बचपन में मम्मी जी मुझे सुनाती थी। ओके। ला 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 लोरी, ला 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 लोरी, निंदिया रानी आजा, बच्चों को सुला जा, पापा सुनाए लोरी। ला 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 लोरी, घर पे होगी चोरी। ला 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 लोरी लोरी ये ये। अरे चिट्टू, ये पापा की लोरी सुनकर तो निंदिया रानी कभी नहीं आएगी। मुझे तो डर है कि सेंटा क्लॉज भी ये लोरी सुनकर ना भाग जाए। ये लोरी सुनकर सेंटा क्या? सेंटा का भूत भी भाग जाएगा और फिर कभी धरती पर नहीं आएगा। चिट्टू हमें देश और दुनिया की भलाई के लिए पापा को रोकना होगा। ला 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 लोरी, घर से भागी चोरी, शर्मा की बेटी रोरी, आइसक्रीम खाए चोरी। क्या हुआ? सर में दर्द। कैसे? आपकी लोरी की वजह से। क्या? इसका मतलब है कि पढ़ाई की टेंशन से इसके सर में दर्द। ओह ओके ओके, कोई बात नहीं बच्चों, मैं अभी जाकर बाम लेके आता हूँ, लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ चिंटू, पापा की लोरी से बचने का एक ही उपाय है। क्या? पापा को सुलाना होगा। पर कैसे? जा पापा की लिखी हुई स्क्रिप्ट लेके आ, उसको सुनकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी सो जाते, पापा भी सो जाएंगे। जा। चल मिंटू लेट जा, बाम लगा देता हूँ। नहीं नहीं पापा, अब सर का डर ठीक हो गया। अरे वाह,
ये तो कमाल बाम है, देखकर ही सरदर्द गायब। ये क्या है? अरे पापा, आप तो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखते हो। क्या सच बेटा? इस पूरी दुनिया में मेरे टैलेंट की सिर्फ तुझे ही कदर है, वरना आजकल तो लोग मुझे स्क्रिप्ट के साथ देखकर भाग ही जाते हैं। क्या करेंगे पापा, जान सबको प्यारी होती है ना। आपकी स्क्रिप्ट हमें बहुत प्यारी है, आप हमें कहानी सुनाओ ना। ओके, तो सुनो बच्चों। ये लो। एक बार एक राजा था, उसके पास एक बकरी थी। वो बकरी को रोज चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता ले जाता ले जाता। फिर इस बकरी को एक दिन एक स्पाइडर ने काट लिया और फिर वो बकरी बन गई स्पाइडर बकरी। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। यस, यहाँ पे पापा के साथ रहना ठीक नहीं है। छोटे पापा के रूम में चलते, वो शूटिंग कर बाहर गए हैं, सेंटा का वहीं पे वेट करेंगे। हाँ यार, सेंटा भी अब हमारे घर की तरफ आ रहे होंगे। सॉरी पापा, सेंटा आपसे डर के भाग न जाए, इसलिए सोना आपका जरूरी था। चल मिंटू, सेंटा को देखे। चल। आवाजें कैसी आ रही है? और नंदू के भयानक लोरी की आवाजें क्यों नहीं आ रही है? कोई तो गड़बड़ है, मुझे जाकर देखना होगा। नंदू, बच्चे सो गए? लगता है सो गए, लेकिन बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? क्या हुआ चंदू, भूत देख लिया क्या? हाँ, भूत जैसा ही कुछ देख लिया। क्या? पर मुझे तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। मैंने तुम्हें ही देखकर बोला है। चंदू, मैं भूत नहीं हूँ, समझी? पता है तुम गधे हो, लेकिन दिखते भूत जैसे ही हो। मैं गधा कैसे हो सकता हूँ, मेरी तो पूंछ भी नहीं है। पूंछ के साथ साथ तुम्हारी अक्ल भी नहीं है। कहा था तुम्हें बच्चों को जगाने के लिए, और यहाँ पर आके खुद सो गए। ऊपर से मुझे डराया वो अलग, चीतो चौधरी। चंदू, मेरे सर में से ऐसी क्यों आवाज आई, जैसे कोई बर्तन गिरा हो? लेकिन तुम्हारा दिमाग तो खाली है, फिर उसमें कुछ गिर कैसे सकता है? एक बार फिर ट्राई करती हूँ। चंदू, मेरा दिमाग खाली नहीं है, इसका मतलब मेरे दिमाग में बर्तन है। अपना संभाल के सर हिलाना पड़ेगा, वरना बर्तन गिर सकते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चंदू, फिर से आवाज आई, पर अभी तो ना मैंने सर हिलाया ना ही तुमने मुझे मारा, तो आवाज कहाँ से आई? अरे यार, ये आवाज तो किचन में से आ रही है, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया नंदू? नहीं नहीं, चोर वर नहीं आ सकता। मुझे पता है पप्पू घर में नहीं है, मैं बाहर के चोर की बात कर रही हूँ। क्या? हाँ, हमें देखना होगा। किसे? पप्पू को? नहीं नहीं, उसे मैंने बचपन से देखा है। अरे यार, मैं चोर को देखने की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं चंदू, मुझे चोर को भी देखने का कोई शौक नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे चलो चलो तुम। अरे चंदू, चलो यार। नंदू, डरो मत और मेरे साथ चोर को ढूंढवाओ। चंदू, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, उधर बहुत डर लगता है। चलो ना, मैं साथ में हूँ। ओके चलो। इधर देखते हो? तो तुम ही देख लो ना सब जगह, पर मैं यहीं छुपता हूँ। जाती हूँ, जाता हूँ।
चंदू क्या कर रही हो, मुझे क्यों मार रही हो, मैं तुम्हारा पर्सनल पति हूँ। सॉरी यार नंदू, अंधेरे में पता ही नहीं लगा, चलो हम चोर को ढूंढते हैं। चलो चोर को पकड़ लिया मैंने। अबे छोड़ो मुझे, मैं इस घर का मालिक हूँ। अरे पर घर की मालकिन तो मैं हूँ। अरे तो मैं उस मालकिन का पति हूँ यार। फिर ये कौन है? मुझे लाइट ऑन करने दो। घंटा? घंटा? अरे मैं घंटा नहीं, भगवान हूँ। पता नहीं लोग मुझे देखकर घंटा क्यों बुलाते हैं। अबे भगवान अंकल, आप हमारे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? मैं तो तारावंती जी को क्रिसमस विश करने आया था। अच्छा, तो क्या मम्मी जी फ्रिज में बैठी है? मम्मी जी सिर्फ देखने में बर्फीली भालू लगती हैं, है नहीं? नहीं नहीं, नहीं फ्रिज में तुम्हें आइसक्रीम ढूंढ रहा था। तुम तो जानते हो मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और पूरे 3 आइसक्रीम खा लिया मैंने। आप हमारे फ्रिज में चोरी कर रहे थे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आपने सेंटा को क्यों भगाया? आप कितने बुरे हैं। अरे बच्चों वो सेंटा थोड़ी ना था, वो तो अपने पड़ोसी बाहर भगाया। नहीं बेटा, वो तो गिफ्ट खत्म हो गई थी ना सेंटा की, तो गिफ्ट लाने गए। बड़ा वाला गिफ्ट लाएंगे तुम्हारे लिए। क्या सच चंदू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम चुप रहो यार। बच्चों को सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए। अच्छा, और ये सच्चाई है कौन? ओफो, बच्चों को ये नहीं पता लगना चाहिए कि वो भगवान अंकल है, उनको लगना चाहिए कि वो सेंटा ही थे। ओके ओके, अच्छा अच्छा बच्चों, वो सेंटा ही था जो आपके लिए बड़ी वाली गिफ्ट लेने गया है, लाल कपड़ों वाला, दाढ़ी वाला भगवान अंकल। नंदू वो समझ गए हैं, इन्हें और समझाने की जरूरत नहीं है, है ना बेटा? तो सेंटा गिफ्ट लेकर कब आएंगे? अब बच्चों वो तो डर के भाग के गया है, पता नहीं कब आएगा। क्या पापा का मतलब है कि रास्ते में इतना ट्रैफिक है ना बेटा, तो डर के मारे जल्दी से गए गिफ्ट लाने के लिए। ओ अच्छा। तुम लोग बेटा थोड़ा सा इंतजार करो, बस सेंटा आते ही होंगे। हाँ नंदू, जरा जाके देखना सेंटा आए क्या। मैं कहाँ से देख के आऊँ सेंटा आए कि नहीं आए। अरे यार तुम इधर आओ। तुम अभी जाओ भगवान अंकल के घर, उनसे उनका सेंटा वाला ड्रेस छीन कर पहन कर आओ, ताकि बच्चों को यकीन हो जाए कि सेंटा होते हैं। कैसी बात कर रही हो चंदू, मैं सेंटा कैसा लगूंगा? अपने पेट की वजह से लगोगे और क्या, ये पेट किस दिन काम आएगा। जाओ। ओके बच्चों, मैं देख कर आता हूँ हाँ सेंटा अंकल कहाँ तक पहुँचे। ओके अभी बस सेंटा आते ही होंगे, फिर देखना तुम्हारे लिए बड़ा वाला गिफ्ट लेकर आएंगे, बड़ा मजा आएगा। तब तक ना मैं तुम लोगों को नूडल्स बना देती हूँ। नहीं हमें नूडल्स नहीं बनना है, हम जैसे ही है वैसे ही ठीक है। बिल्कुल नंदू पर गए। मम्मा सेंटा अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं बेटा, रास्ते में कहीं आइसक्रीम देख कर खाने लग गए होंगे, किसी काम के नहीं है। कैसे हो बच्चे तुम लोग? सेंटा! कितने प्यारे बच्चे हैं, जरूर अपने पापा पर गए होंगे। तुम्हारे पापा बहुत समझदार और हैंडसम होंगे, है ना? सेंटा, बच्चों को गिफ्ट दीजिए ना। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। ये लो चिंटू और ये लो मिंटू, तुम भी लो, फ्री का माल है। आपको हमारा नाम पता है और मम्मा का भी? हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे बच्चे हो और ये मेरी बीवी है, तो नाम तो पता ही होगा ना।
मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोग वो होनार, समझदार, दिमागदार, महान राइटर नंदू के बच्चे हो ना, और ये उसकी बीवी है तो सब जानते हैं तुम्हें। अरे चिंटू, इस दुनिया में पापा की तारीफ करते हुए मैंने पहले किसी को नहीं सुना, और सांता की और पापा की आवाज भी मिलती जुलती है। दाल में कुछ काला है, रुक मैं अभी पता लगाता हूँ। सांता, हमारे पापा आपको ढूंढने बाहर गए हैं, आप उन्हें लेके आएंगे? बेटा, सांता को और भी बच्चों के पास जाना है ना गिफ्ट देने। अरे प्लीज सांता, हमारे पापा को भेज दीजिए, आज के दिन आप किसी बच्चे को मना नहीं करते ना। ओके, मैं अभी तुम्हारे पापा को भेजता हूँ। बाय बाय। पापा आ गए, देखो। बच्चों, मैं आ गया। सांता कहाँ है? झाड़ियों में। क्या? मेरा मतलब है बेटा, चले गए वो। अरे पर हमें ना उनसे कुछ बात करनी थी, आप प्लीज जाके उन्हें रोकिए, अब वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, जाओ बुला के लाओ। अच्छा ठीक है, जाके बुलाता हूँ उन्हें। बोलो बच्चों, तुम्हारे महान पापा ने कहा कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। लेकिन पापा कहाँ रह गए? हमें आप और पापा से दोनों से बात करनी है। बुलाता हूँ। सांता, तुम आ गए? कहाँ सांता रह गए? हमें चाहिए उनसे बात करनी है। पापा, इतना बड़ा धोखा, आपने सांता को भगा दिया और उनके कपड़े चुरा लिए। आपने अच्छा नहीं किया पापा, अब हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। बच्चों, खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। यार चंदू, आज जो बच्चों के साथ हुआ ना, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ यार, हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक तुम हो जो इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी हर्ट नहीं होते, और एक बच्चे इतनी सी बात से हर्ट हो गए। हाँ वो तो है नंदू, अगर हमने बच्चों को सांता से नहीं मिलाया ना, तो उनका विश्वास उठ जाएगा। तारीफ से? अरे नहीं यार, क्रिसमस से और उससे जुड़े संस्कारों से। तो फिर क्या करेंगे चंदू? हमें उनका टूटा हुआ दिल जोड़ना होगा। अच्छा रुको, मैं अभी जाके ना ग्लू लेकर आता हूँ। अरे यार ग्लू नहीं, हमें सांता को लेकर आना होगा। क्यों, हम सांता से ग्लू लेंगे? तुम रहने दो। हे बाबा जी प्लीज, बच्चों के खातिर कहीं से सांता को भेज दीजिए। देखो बच्चों, सांता आ गया। वाओ सांता! हाँ, मैं ही सांता हूँ। देख चिंटू, पापा मम्मी भी यहीं पे। मतलब ये सांता नहीं बने? इसका मतलब मैं ही असली सांता हूँ। मिंटू, आजकल तो कितने नकली सांता घूम रहे हैं। ये असली है नकली हमको तो नहीं पता। सांता, आप असली और नकली हमको नहीं पता, लेकिन हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ पूछ पुत्र। पुत्र? आप ही, मैं पंजाब के बच्चों को गिफ्ट देकर आया हूँ, इसलिए मुंह से पुत्र निकल गया। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं नॉर्थ पोल में रहता हूँ। और आपकी सवारी क्या है? रेंडियर मेरी सवारी है, जिसके रथ पे चढ़ के मैं दुनिया भर के बच्चों को गिफ्ट देने जाता हूँ। अब जल्दी से मेरे पास आओ, वरना दुनिया के सारे बच्चों को मैं कैसे गिफ्ट दे पाऊंगा। लगता है चिंटू यही असली सांता है। सांता, मैरी क्रिसमस। ये
मनी गिफ्ट? जस्ट वेट फॉर वन मिनट। नमन 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 नमन। थैंक यू चंदू, देखो ना कितनी बड़ी गिफ्ट है। वाह, यस। वन गिफ्ट फॉर यू बैड गर्ल। मेरी बेबी। बच्चों, क्योंकि सेंटा को दुनिया के सारे बच्चों को गिफ्ट देना है, इसलिए सेंटा को जाना होगा। बाय 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 सेंटा। मैरी क्रिसमस। चंदू, क्या मस्त गिफ्ट है ना? हाँ। मम्मी जी, बच्चे जा चुके हैं, अब आप अंदर आ जाइए। मम्मी जी? अरे चंदू, मम्मी जी तो बुआ जी के घर पर गई है, यहाँ कहाँ है? ये लो। हाँ, नंदू वो मम्मी जी थी। मम्मी जी आ जाइए। मम्मी जी, आप ही असली सेंटा है और ये बात आपने बचपन से मुझसे छुपा के रखी। नंदू, मम्मी जी ने हमारी मदद करने के लिए ये सब किया है, इसलिए वो सेंटा बनकर आई थी, है ना मम्मी जी? ओए, बच्चों का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, मैंने इसलिए ये सब किया। जब मैं घर के दरवाजे के अंदर एंटर कर रही थी ना, तब मैंने बच्चों को तुम लोगों से झगड़ा करते हुए सुना। अरे मस्त एक्टिंग थी मम्मी जी, यू आर सुपर मॉम। थैंक यू मम्मी जी। देखो, बच्चों को संस्कार अपने घर से ही मिलते हैं, इसलिए उनका अपने संस्कारों और बड़ों पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए। पर तुम लोगों ने तो उसे तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया था, इसलिए मैं सेंटा बन के आ गई, पर अपने बच्चों के लिए। ओए नंदू पुत्र, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? क्योंकि मम्मी जी, क्रिसमस के दिन सिर्फ एक सास ही बहू को इतना छोटा गिफ्ट दे सकती है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।